नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई, जिसके बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल पत्रकारों से मुखातिब हुए। जानकारी दी गई कि एक शुगर मिल को छोड़कर बाकी शत प्रतिशत पेमेंट गन्ना किसानों को कर दी गई है। साथ ही गन्ना किसानों को आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया। अगर वो नई किस्म का बीज तैयार करते हैं तो उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, इस बात की जानकारी दी गई। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई गन्ना किसानों की सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है? सवाल ये भी कि हरियाणा में गन्ना किसान क्या पूरी तरह से खुश हैं? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे प्राइम टाइम डिबेट में। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। गन्ना किसानों को मनोहर राहत, किसानों को आर्थिक मदद देगी सरकार, हो गया समाधान, फिर गन्ना किसान क्यों परेशान? हरियाणा उन प्रदेशों में से एक है जहां बड़े स्तर पर गन्ने का उत्पादन नहीं होता, लेकिन समय समय पर यहां गन्ना किसानों के परेशान होने की खबरें सामने जरूर आ जाती हैं। कभी गन्ना किसान का बकाया तो कभी चीनी मिलों की मनमानी, कई समस्याएं जिन्हें लेकर किसान परेशान होते रहे हैं। ऐसे में पिछले कुछ समय से किसानों को सरकार की तरफ से राहत देने का काम किया गया। एक तरफ जहां किसानों को सबसे ज्यादा दाम गन्ने का हरियाणा में ही मिलता है, तो दूसरी तरफ किसानों का लगभग पूरा पेमेंट भी कर दिया गया है। खुशी की बात है कि हरियाणा में किसानों की गन्ने की पेमेंट एक मिल को छोड़ के 100% पेमेंट हम कर चुके हैं और हरियाणा जो है सबसे ज़्यादा भाव गन्ने का देने वाला प्रदेश है। अधिकार आज की मीटिंग में ये हमें मिला है कि सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके आने वाले क्रशिंग सीजन का गन्ने का भाव कुछ दिनों में हम डिक्लेयर करेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। जेपी दलाल ने कहा कि शुगर मिलों में लगाए जाने वाले एथेनॉल प्लांट्स के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि इनके चलने से किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके। इसके अलावा किसान गन्ने की नई किस्म 15023 की अधिक से अधिक पैदावार कर सके, इस किस्म पर किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नई जो गन्ने की वैरायटी आई है 15023, जिसके बारे में अभी HAU ने टेस्टिंग नहीं की है, सर्टिफिकेशन नहीं किया है, उनको कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी इसका सत्यापन करें, और क्योंकि भारत सरकार ने इसको सत्यापन कर दिया है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा बीज तैयार करें। कृषि विभाग जो है किसानों को आर्थिक सहायता देगा जो बीज तैयार करेंगे, और एक कमेटी का गठन किया गया कि जिससे प्राइवेट मिल की रिकवरी और कोऑपरेटिव मिल की रिकवरी में जो गैप है उसको दूर करने के लिए वो सुझाव देंगे। किसानों के गन्ने की बकाया राशि का 100% भुगतान कर दिया गया है, केवल एक शुगर मिल का शेष है और उस शुगर मिल के किसानों की बकाया राशि का भुगतान भी जल्द ही करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सहकारी शुगर मिलों एवं प्राइवेट शुगर मिलों के उत्पादन में जो अंतर है इसे दूर करने के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। ये कमेटी जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर दाखिल करेगी। बावजूद इसके किसानों की अगर बात करें तो बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जिनका समाधान अब तक नहीं हुआ। रवि कालीदमन, चंडीगढ़, हरियाणा न्यूज। यहाँ तो सवाल कई हैं और इन्हीं सवालों पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि गन्ना किसान कितना खुश है, कितना संतुष्ट है आज हरियाणा के अंदर। क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें तो इतना बड़ा प्रदेश नहीं है गन्ना उत्पादक के तौर पर, लेकिन यहाँ पर किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे ज्यादा रेट भी दिया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके रह रहकर परेशानियां तो सामने आ ही जाती हैं। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केसी भाटी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। इसके अलावा ओंकार सिंह जी हैं इनेलो से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही स्वामी इंद्र जी हमारे साथ बाकी नेता जी, धन्यवाद सर, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले
स्वामी इंद्र जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल कर लेते हैं, क्योंकि किसान नेता हैं, किसानों की परेशानियों को आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। क्या लगता है कितना संतुष्ट है आज का किसान? गन्ना किसान की खासतौर पर हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि आज जो बैठक हुई है उसमें कई तरह की राहत देने की बात की गई है। देखिए विनय जी, मैं पहली बार तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो लगातार किसान के मुद्दों को आप बखूबी अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं बिना लाग लगे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान मोटा राज्य लगाने वाले किसान हो या सब्जी किसान हो, वो सब किसान त्राहीमान त्राहीमान कर रहे हैं, क्योंकि किसान की जो इनपुट कॉस्ट है वो कई गुना बढ़ चुकी है। डीजल का भाव देखिए, खाद का रेट देखिए, किसान की जो लेबर की कॉस्ट वो देखिए, तमाम बातें भर चुकी हैं। पर केंद्र सरकार द्वारा जो हाल ही में 305 रुपए जो रेट किया गया है ना, प्रदेश के अंदर 350 का रेट है, इससे किसान की सफाई होने वाली नहीं है। मैं अभी देख रहा था कि पूसा यूनिवर्सिटी का भी जो आंकलन है, कम से कम 500 रुपए क्विंटल जो है किसान की जो इनपुट कॉस्ट आती है, ऐसे में मात्र आप 360 रुपए किसान के हाथ में देते हैं तो इससे किसान की भरपाई होने वाली नहीं है। दूसरी, माननीय मंत्री बता रहे थे कि सब तमाम जो है मिलों के का जो भुगतान है किसानों का हो चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, कृषि मंत्री जेपी जी दलाल जी, आप देखिए किसानों कितना लंबा संघर्ष करना पड़ता है अपने पैसे के लिए, और आप भी देखिए आपका प्रदेश ऐसा प्रदेश होने जा रहा है जिस प्रदेश के अंदर किसान को जो अधिनियम 1966 का लाभ अभी तक नहीं मिला। आप मुझे बताइए, अधिनियम 1966 जो कहता है कि गन्ने की जो फसल जो किसान की ली जाती है उसका भुगतान 15 दिन के अंदर होना चाहिए। अगर 15 दिन के अंदर किसान का भुगतान नहीं होता, उसको ब्याज सहित 15% ब्याज सहित उसकी राशि का भुगतान होना चाहिए। क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर आपके शासन काल के अंदर किसान को उसका पैसा ब्याज सहित मिला हो? दूसरी बात, जिस मिल की आप बात करें कि उसका भुगतान नहीं हो पाया है, उस मिल ने चोर दरवाजे से क्या साठ काट की सरकार के साथ किसान ही को कर्जदार बना डाला। उस मिल ने किसानों के नाम पर क्रॉप लोन लिया हुआ है, लगभग 60 करोड़ रुपए की देनदारी किसान के सिरके पर खड़ी है। वो क्रॉप लोन किसान से लेकर मिल के खाते में डलवाया गया पैसा, उसके ऊपर आप जिक्र नहीं किया। 60 करोड़ रुपए किसान ने मिल से लेना है तो मिल ने क्या चलाकी की, चोर रस्ते से क्या काम किया, 36 करोड़ का चेक किसान को दे दिया और 23 करोड़ रुपए जो बचता है बकाया उसके लिए मिलने का किसान को कि अप्रैल के बाद, यानी ये स्ट्राइक का जो सीजन अब शुरू होने वाला है 2022-2023 उसके बाद किसान को उसका भुगतान किया जाएगा। क्या सरकार का फर्ज बनता है? सरकार जिम्मेदार होती है कि उसके नागरिक की जो है उसकी जो पूंजी है उसकी सुरक्षा, उसकी जान माल की सुरक्षा सरकार के हाथ में होती है। क्या सरकार ने उस मिल को नोटिस देने का काम किया, उसका ऑडिट करने का काम किया? नहीं किया। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो किसान आज भी मजबूर खड़ा हुआ है, सरकार की तरफ देख रहा है। दूसरी बात देखिए, पराई का सीजन चलता है तो क्या एक ही मिल बताइए, गैर सरकारी हो या सरकारी हो, जिसके अंदर किसान को ठहरने के लिए विश्राम गृह का प्रबंध किया गया हो, क्या किसान रेस्ट हाउस किसी मिल के अंदर है? 3-3 दिन, 4-4 दिन, 15-15 दिन किसान ट्राली लेकर मिलों के बाहर खड़ा रहता है, सड़कों पे खड़ा रहता है, आपने देखा हुआ नहीं तो किसी मिल के अंदर फर्स्ट एड की सुविधा है, सरकार ऑडिट करके बता सकती है ईमानदारी के साथ कि किसी मिल के अंदर, किसी भी मिल के अंदर फर्स्ट एड की सुविधा है, सरकार बता सकती है किसानों के लिए खाने की कोई व्यवस्था है, कोई कंटीन है किसी मिल के अंदर? नहीं है। ये मिले किसानों की जमीनों पे लगाई गई है, पंचायतों से लेकर लगाई गई है, किसान की जमीन पे लगाई गई है, बस किसान को लाभ मिलता है, सीधा पूंजीपति को लाभ होता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप सुन रहे थे, आप बताइए। देखिए मुझे स्वामी इंद्र जी किसान बनकर आते हैं और किसान का पहला स्वभाव है सच बोलने का, किसान से की के स्वभाव का, हरियाणा के किसान के स्वभाव का तो कम से कम ये पक्के वाला जो है हिस्सा है, अंग है। लेकिन स्वामी इंद्र जी किसान का वेश धारण करके यहाँ कोरी राजनीति करने आते हैं, अक्सर इनसे मेरी लठम लट्ठा डिबेट में होती है। मैं कुछ चीज़ें साफ साफ इनसे कहना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान त्राहीमाम कर रहा है, बिल्कुल उसके तो बहुत बुरा हाल हो गया। हरियाणा के किसान की समस्याएं हैं, हो सकती हैं, लेकिन हरियाणा का किसान और देश का किसान पहले की किसी भी सरकार के कार्यकाल की तुलना में बेहतर स्थिति में है, कंफर्टेबल है, और उसको हम हर दिन और बेहतर स्थितियां देने के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहे हैं। हरियाणा का मित्रवर, हरियाणा का गन्ने का दाम वो देश में सर्वाधिक है, और आज भी कृषि मंत्री जी ने ये कहा है कि हम उचित समय पर
ये निर्णय ले लेंगे, उनको अधिकृत कर दिया गन्ना बोर्ड ने रेट बढ़ाने के लिए। हम हरियाणा के किसान को जैसे आज देश में सर्वाधिक दाम मिल रहा है, हम सर्वाधिक ही देंगे किसी भी कीमत पर, उसको देश के किसी भी राज्य से नीचे नहीं जाने देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, पहले भी निभाया है, आगे भी निभाएंगे। किसान को चाहिए कि मिल अधिक दिन चले, मिल पहले चलना शुरू हो जाए जो रूटीन में हर साल पुराने वर्षों में होता था। हमने पिछले साल भी जो पहले साधारणतया नवंबर में मिल चला करती थी, नवंबर के शुरुआत में बिल्कुल 1 नवंबर से 5, 6, 7 नवंबर तक सारी मिल्स चालू कर दी थी। अब की बार हमारा संकल्प है, मंत्री जी ने कहा है कि हम हरियाणा की गन्ना मिलों को, चीनी मिलों को अक्टूबर माह में प्रारंभ करके किसान को राहत देंगे। एक बात जो स्वामी इंद्र जी ने बहुत उलझा के घुमा फिरा के ऐसे पेश की, नारायणगढ़ चीनी मिल की जिसका भुगतान पड़ा हुआ है, वो उसमें किसान को कोई लेना देना नहीं, किसने किसको क्या दिया। किसान की तरफ से मैं सीधी बात कह रहा हूं, मैं भी किसान हूं और जितने बड़े किसान नेता स्वामी इंद्र हैं इनसे बड़ा मैं हूं, किसान का बेटा हूं, अक्सर खेत में भी जाता हूं, मेरा परिवार भी खेती करता है। भाई साहब, इस मिल का किसान जी, उसको केवल अपने पैसे मिलने से की दरकार है। और क्योंकि हम सरकार है आज की तारीख में, हमने पहले भी जब ये विशुद्ध प्राइवेट मिल थी तब भी हमने संकट में किसान की मदद की थी। अभी हाल इस मिल का मालिक मैदान छोड़ के चला गया, सरेंडर कर गया, सरकार ने किसान के हित में, किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए, उस मिल को अपने नियंत्रण में ले लिया है। और ये हमारी प्रतिबद्धता है, जल्द हम जो बकाया राशि है किसानों की उसका भुगतान कर देंगे। स्वामी इंद्र जी, आपको किसने ये कह दिया कि इसमें घोटाला है, इसमें मिलीभगत है? भाई साहब, हम मदद कर रहे हैं किसान की, उसके साथ आकर खड़े हो रहे संकट में, उसमें भी आपको रुदन का, रुदाली का वो क्या कहते हैं, कारण आपको दिखाई देता, आप तलाश लेते हैं। एक मिनट अपनी बारी में स्वामी इंद्र सुनिए, अपनी बारी में बोल लेना, आपको मैंने कुछ भी कहने दिया, आपको मैं बताता हूँ, अपनी बारी में ऐसा नहीं बोलने दूंगा, अपनी बारी में बोल लेना भाई, मेरी बात पूरी होने दो स्वामी इंद्र, ये गलत तरीका। स्वामी जी, एक बार आपको पूरी बात सुननी होगी, बात पूरी सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा बकायदा, बहुत समय है मेरे पास अभी। इन्होंने एक और बात कही कि कृषि मंत्री ईमानदारी से ये बताएं। कृषि मंत्री और ये सरकार तो खूब सारा ईमानदारी से काम करती है, किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए हैं। मैं नहीं कहता कि सब कुछ जो किसान के लिए होना चाहिए सारा कर दिया हमने, जो करांगे बढ़िया करांगे, और मारे तो फालतू ना पाछली किसी सरकार ने करा, और हम ही करांगे आगे भी किसान का भला। लेकिन ईमानदारी से अगर हिम्मत है ना, स्वामी इंद्र बताएं कि किसान को हम सम्मान निधि देते हैं, 2000 रुपए का बटन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से दबाते हैं तो मेरे गांव के किसान के, इनके गांव के किसान के, और अगर ये असल में किसान है तो इनके खाते में भी बटन दबाते ही 2000 के 2000 रुपए पहुंचते हैं। पहले की सरकारों में मेरे मित्र 1 रुपया चलता था दिल्ली से, 15 पैसे किसान के खाते में आते थे। हमने सबके विरोध के बावजूद किसान को उसकी फसल का जो उसका दाम है वो सीधे खाते में देना शुरू किया। भाई साहब, किसका हित हुआ उसमें? किसान को सीधा फायदा, किसान को उसकी फसल के दाम मिलने में जो देरी हो जाती थी उसके लिए ब्याज दिया हमने। हमने जो दे दिया ना स्वामेंद्र, तब मानूंगा कि ईमानदार हो और हमसे ईमानदारी की उम्मीद करते हो। जब ईमानदारी से यह स्वीकार कर लो कि हमने गांव के किसान को उसके खाते में सीधे पैसे दिए, किसान का भला हुआ है, हमने जो देरी हुई उसको हमने ब्याज भी देना शुरू किया है, किसान का भला हुआ है। और गांव के किसान का, 5500 गांवों का किसान, वो रात को अब 24 घंटे वाली बिजली में उसको सोने का समय मिल जाता है, उसको जिस समय भी उसको सोना हो, उसके घर में अब अंधेरा नहीं होने देते 5500 गांवों में। स्वामी इंद्र, स्वीकार कर लीजिए ना, हमने ये काम करके दिखाया है। केसी भाटिया जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं प्रोफेसर साहब की बात से आप? देखिए प्रोफेसर साहब, जो भी बता रहे थे ना, नारायणगढ़ मिल का पैसा रहता है, बाकी सब काम ने दे दिया जी। तो ये किसान क्यों सरकार के खिलाफ क्यों बुलंद आवाज में ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी पेमेंट नहीं, अब मंत्री जी ने कह दिया कि अब हमने कर दिया है,
तो अब से पहले जब से गन्ना खरीदा था तब से अब तक क्यों नहीं करी थी पेमेंट? प्राइवेट मिल थी भाई साहब, प्राइवेट मिल थी, संकट में थी, हमने हमने मदद की है। क्या क्या बोल बोल बातें करते हैं आप, बीच में मत बोलिए प्लीज। बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आपकी आदत खराब है, आप आदत तो आपकी खराब है। हमने आपकी चोरी चकारी जो आपके कार्यकाल में होती थी उसको बंद की है। हम किसान के पक्षधर हैं। गलत मत बोलिए मिस्टर भाटिया, चुप कराइए प्लीज। ठीक है, गलत बोलेंगे तो रोकूंगा, गलत बोलेंगे तो रोके जाओगे और टोके भी जाओगे। मैं कौन हूँ बताऊँ? प्रोफेसर साहब मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं प्रोफेसर साहब मैं अपनी पार्टी का प्रतिनिधि हूं जिसकी जिम्मेदारी है कि झूठे कांग्रेसियों को कहीं भी टोक दो। आपके पास और परिचय चाहिए कुछ? ये जो बोल रहे हैं सर, आ जाऊंगा मैं। केसी भाटिया जी, आप मुद्दे की बात करिए। ठीक है, करिए सर, करिए सर। किसान इतना टाइम तक धरना देकर हाय हाय करते रहे तुम्हारे खिलाफ, सारी दिल्ली को घेर के रखा हुआ है। ठीक है, आप फैक्ट की बात कीजिए सर। किसानों ने तो भूल गया उस बात को, तथ्य पर नहीं बोल पाओगे ना आपको, आपने किसानों को तथ्य नहीं बोल पाओगे। एमएसपी का कह रहे थे, कहाँ दे दिया आपने? विनय जी बीच में बोलना गलत है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन आप करिए बात, आपकी सुन ली। हाँ जी, देखिए हमारे सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की सरकार में 117 रुपए से 320 रुपए तक का हमने रेट दिया। 117 रुपए रेट होता था जब कांग्रेस ने टेक ओवर किया, 320 रुपए रेट दिया। इन्होंने 320 से 8 के अंदर 360 रुपए किए हैं, 30 से 40 रुपए बढ़ाया इन्होंने। ये बात करते हैं कि हमने किसानों का रेट बढ़ा दिया और बढ़ा देंगे, तो ये पता नहीं कि कहां से ये बोलते हैं कि भाई 500 रुपए लागत है, आप उनको 360 रुपए दे रहे हैं। नहीं सर, और वो डिमांड करें मैं 500 में तो 450 दे दो हमें, लेकिन आप वो वादे पे वादे, हम कमेटी बिठाएंगे जी, फलाना करेंगे जी। आप उनके समस्या को सुनिए। आपने कह दिया मैं किसान परिवार से आता हूँ, हम भी कोई इंग्लैंड से नहीं आया है, मैं भी किसान परिवार से हूँ। गाँव में मेरा सातवा गाँव में जाके पता कर सकते हो, मेरा पूरा परिवार, मेरा 60 आदमियों का कुर्बा है, सारे खेती करते हैं। तभी किसानों ने आपको हराया 19 में भी, पता है जी। आप इस बात को छोड़ दीजिए, ठीक है, कि आपने किसानों का सब भला कर दिया। ठीक है, कैसी बात है, ठीक है। लोग रो रहे हैं आपकी जान को और आप कहते हो कि किसानों का भला कर दिया आपने। ठीक है, कैसी बात है, आप किसानों पर ऐसी बात मत कीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं मैं जरा ओंकार सिंह की तरफ भी जाना चाहूंगा सर, मैं आता हूँ प्रोफेसर साहब के पास। ओंकार सिंह जी, क्या लगता है, क्योंकि अगर आपको हम देखें, आपकी पार्टी को भी हम देखें, तो एक बड़ा बैंक माना जाता है किसानों का, आपका वोट बैंक माना जाता है, और आपकी राजनीति भी उस पर ही उसी दूरी पर घूमती नजर आती है। फिलहाल के समय में आप क्या स्थिति देखते हैं? विनय जी, सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी प्रवक्ता साथियों से कि भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, विशेष तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता कोई ना कोई ऐसी पर्सनल टिप्पणी कर देते हैं। उपदेशक मत बनिए, डिबेट करो, उपदेशक मत बनिए। मैंने आपको आपको मर्यादा लांघते हुए देखा टेलीविजन पे, दूसरे को ज्ञान नहीं दिया करते, अपने ऊपर नियंत्रण कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, बोलिए ओंकार सिंह जी, आप करिए बात पूरी। देखिए विनय जी, या तो इनको सिर्फ बीजेपी वालों को ही बुलाया कीजिए, या इनको थोड़ा समझा के रखिए। गुस्सा हमें भी आता है, बोलना हमें भी आता है। नहीं सर, गुस्सा वाली बात ही नहीं, गुस्सा करनी किसी को नहीं, मैं तो जाऊंगा, चाहे वो प्रोफेसर साहब हो, चाहे वो आपको कोई भी हो, हम यहाँ पर एक निष्कर्ष निकालने बैठे हैं। मूल मसले पे नहीं आएंगे प्रोफेसर साहब, मैं बात करता हूँ। आप आए सर, आप बोलिए, बात पूरी करिए। विनय जी, ये प्रोफेसर है या नहीं, जाली डिग्री है, असली डिग्री? बदतमीज हो क्या प्रोफेसर साहब? ओंकार सिंह बदतमीज इंसान हो क्या? मेरी रिक्वेस्ट है सर, मैं बात कर रहा हूं, अपने कागज निकालो, हरियाणा के भी हो गए नहीं। सिंह चौहान जी, क्या बदतमीज आदमी है ये? सर मेरी रिक्वेस्ट, मेरी डिग्री पर सवाल उठाएगा मूर्ख? यहाँ पर किसी डिग्री पर सवाल उठाने के लिए किसी पर बैठे नहीं है, हम किसानों की बात करने के लिए बैठे सर। आप किसानों पर बात करिए सर, इस आदमी के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, ये मेरी डिग्री पूछ रहा है। प्रोफेसर साहब, रिक्वेस्ट है सर आपसे, ये अरे इनको टोकिए आप, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं यहां बैठ के। ओंकार सिंह जी, आप बात करिए अपनी पूरी, और मैं चाहूंगा कि जो मुद्दा है उस पर बात हो सर, और किसी चीज पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप मुद्दे पर बात करिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पर बात हो तो निष्कर्ष तक पहुंचे भी बात। विनय जी, ये कोई अच्छी बात है जैसी ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मैंने सर, मेरी डिग्री पर सवाल उठाओगे तो मूर्ख कहलाओगे, दूसरा जैसी बात करोगे तो बाबा कहूंगा क्या, ज्ञानवान कहूंगा क्या? प्रोफेसर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सर। नहीं, अरे गलती वो कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ,
तेरे को ना कोर्ट में ले जाऊंगा मैं। देखिए पागल आदमी कैसे लेगा कोर्ट में। ओमकार सिंह जी अभी आप हमें अभी आप इस बात की बात कर रहे थे कि आप बदतमीजी की बात कर रहे हैं, अब आप खुद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कोई फायदा नहीं इस बात का। फिर सर आप मैं चाहूंगा मुद्दे पर बात करनी, आप मुद्दे पर बात करनी सर होगी इनको कहते हुए चुपी नहीं सर मैम। अरे बकवास तुम कर रहे हो। देखिए प्रोफेसर साहब मुझे आपकी ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी, मैं बात कर रहा हूँ। ओमकार सिंह जी अगर आप भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे फिर कोई फायदा नहीं सर, मुझे आपकी भी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। फिर मैं चाहूंगा मुद्दे की बात करें, आप किसानों की बात हो रही है, गन्नों की गन्ना की बात हो रही है, गन्ना किसान कितने संतुष्ट है उनकी बात हो रही है सर, आप पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं सर। कोई बात नहीं विनय जी, आप ऐसा है ना अगर इनको नहीं चुप करा सकते सर आप इन्हीं को बुलवा लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ओमकार सिंह जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आप गन्ना किसानों पर आपकी जो राय है आपको जो लगता है उस पर बात करिए। देखिए जब बात आ रही है किसानों की, बात किसानों की आ रही है तो हमें सारी बात देखनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सर, तो आप किसान आज किसान की पोजीशन क्या है। गन्ना किसानों को 15-15 दिन गन्ना किसानों को अगर मिल के बाहर खड़े रहना पड़ता है ठीक है, और उसके बाद उनके बैठने की और कैंटीन की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ स्वामी इंद्र के बयान से ठीक है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जब पूसा ने ही कह दिया कि किसान गन्ने किसान की लागत जो है 500 रुपए से अधिक है, तो सरकार ये दावा ठोकती है कि हम इनको पूरा मूल्य दे रहे हैं, ये गलत है। सबसे बड़ी बात तो 13 महीने किसानों को सड़कों पर बिठा के रखा, 750 से अधिक किसान शहीद हुए, उस दौरान इन्होंने बोला था कि हम किसानों पे केस वापस लेंगे और MSP गारंटी का कानून बनेगा, उसके लिए कमेटी बनेगी। उस MSP गारंटी में गन्ना किसान भी शामिल थे, गन्ना किसान बाहर नहीं थे। आप ये कह रहे हैं इनके मंत्री जी बोलते हैं कृषि मंत्री कि एक विशेष उपज के लिए हम उसको सुविधा देंगे लोन देंगे, अच्छी बात है आप दीजिए। सरकार माए बाप होती है, स्टेट का काम होता है कल्याणकारी कार्य करना, ना कि किसी के नुकसान में जाना। अब स्वामी इंद्र जी के ऊपर ये अभी अपना वो लगा रहे थे कि ये किसान भी है या नहीं, कम से कम ये बताइए विनय जी, मैं आपसे पूछता हूँ किसान की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, क्या किसान बनने के लिए भी बीजेपी से लाइसेंस लेना पड़ेगा किसी को? ये किसान वो है जो खेती करता है, ये जमीन है या जमीन को खेती के लिए दी जाती है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। देखिए विनय जी इनको चुप करा लीजिए, ये गलत बात का बीच में बोलते हैं। आज अगर किसान आज सुनिए मेरी बात तो सुनते नहीं, आप बात पूरी कैसे करें, आप मुद्दे से भटक जाते हैं तो मैं आपके पास कैसे बात करूं फिर, आप मुद्दे पर बात करिए। तो बात पूरी कर रहा हूं जी। देखिए विनय जी बात पूरी कर रहा हूं, अगर अब ये फिर ये व्यक्ति बीच में बोला तो भाषा प्रोफेसर साहब रिक्वेस्ट है आपसे, आपका नंबर आएगा, मैं चुप बैठा था ना, आप मेरे भाई बताओ, मैं चुप बैठ के सुन रहा हूं। बिल्कुल सर, मुझे सवाल का जवाब ले लूंगा सर। अरे आप टोकते क्यों नहीं उनको फिर? कोई बात नहीं, मैं तो चुप ही बैठा हूँ। ठीक है, आप कुछ कहा ओमकार जी, ओमकार जी आप अपनी बात पूरी करें क्योंकि मेरे पास और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई ज्यादा इंतजार करे और कम बातों में अच्छी बातें हो तो ज्यादा बेहतर। विनय जी आज आज विनय जी आज बिजली की क्या स्थिति है ये किसान ही जानता है, आम व्यक्ति नहीं जानता। कितने घंटे बिजली आ रही है किसान को पता है, 5 घंटे आ रही है, 4 घंटे आ रही है, सिर्फ आंकड़ों से पेट नहीं भरता। आज बिजली की समस्या से किसान जूझ रहा है और उसके बावजूद जब ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना होता है तब पता है कितने कितने साल इनको इंतजार कराया जाता है, और ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, हमने सरचार्ज माफ कर दिया, हमने ये कर दिया। वास्तविक में जब किसान अपना बिल लेके जाता है तो बिजली बोर्ड में कोई उसको कॉम्प्रोमाइज करता नहीं है, उससे कोई उसको राहत नहीं मिलती है। ये छोटी छोटी समस्याएं लेकिन एक किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आज अगर किसान अपने मूल्य लेने के लिए MSP लेने के लिए सड़कों पर बैठा है, अपने मूल्य को प्राप्त करने के लिए अगर गन्ना किसान की कीमत उसको 3 महीने 2 महीने 4 महीने बाद मिलती है तो कब सूद दिया इन्होंने, सूद समेत उनकी कीमत अदा होनी चाहिए। ये आम किसान की समस्या भी है, गन्ना किसान की तो है। इन्होंने बोला था 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे, जरा बताएं कहां है किसान की आय दुगनी। इन्होंने बोला था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C+2 का फार्मूला लगाएंगे, किस फसल पे लगाए ये भी बताएं। ये बहुत अजीब बात है, झूठ बोलकर अगर जनता को डरा धमका कर बोलना चाहती है तो जनता लोकतंत्र में सुप्रीम होती है। आज अगर ये ऐसी बातें कर रहे हैं, जनता देख रही है
इनका बिहेवियर भी देख रही है और आने वाले 2024 का चुनाव से पहले जो गांव के चुनाव है उनमें जनता इनको दिखा देगी नजारा। और सबसे बड़ी बात, पहले कहते थे कि हम सिंबल पर गांव का चुनाव लड़ेंगे, अब इन्होंने सिंबल पर चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया है। ये इनको गांव में अपनी पोजीशन दर्शाता है। आज अगर ये सिंबल पर चुनाव लड़े, इनको किसान गांव में घुसने तक नहीं देंगे। ठीक है, चुनाव पे तो आ जाएंगे सर, मुद्दा भटकने से अच्छा है कि हम मुद्दे पर रहें। रणवीर शर्मा जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, किसान हमेशा ही एक बड़ा वोट बैंक रहा है, राजनीति की धुरी रही है, इस पर किसान जितना ज्यादा खुश होगा ये सबसे अच्छी बात है, उसी को सरकार को सपोर्ट किया जाएगा, उसी पार्टी को सपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल के मौजूदा हालात में हम बात करें, चाहे वो गन्ना किसानों की बात करें या फिर बाकी जो किसानों की बात करें, उन किसानों को लेकर दावे किए जाते हैं और ये किया भी जा रहा है ऐसा, और गन्ना किसानों को भी राहत दी गई है। आज की अगर हम मीटिंग की बात करें, आप क्या हालात देखते हैं फिलहाल किसानों को लेकर? विनय जी, ये सभी मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, छोटे बड़े छोटे ही भाई हैं सारे तकरीबन मेरे से, तो जी। और मैं एक सीनियर पुलिस अधिकारी के तौर पर इनके बीच में मैंने ज्यादा काम किया है, क्योंकि अब मैं पिछले 8 साल से बाहर हूँ सर्विस से, तो अब मैं अपना खेत का काम संभाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे इस विषय के लिए चुना, आपका धन्यवाद, और मैं इसे जो भी बन पाएगा वो सच्चाई मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। जी जी, देखिए जहाँ तक सरकार का मामला है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं चौहान जी और प्रोफेसर हैं आदरणीय, और इन्होंने जो बात कही है, हर सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है कि हम बढ़िया से बढ़िया काम करें, चाहे वो रेट देने का मामला हो, चाहे MSP देने का मामला हो, चाहे वो किसानों की बिल कनेक्शन जो भी समस्या, वो भी बात उनकी ठीक लग रही है। अब दूसरी बात जो है, हमारे विरोधी भाई जो पावर में नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के हों या लोकदल के हों, उनको भी अपनी बात कहने का हक है। आप BKU से हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं इंदर जी, उन्होंने भी अपने मुद्दे जो हैं किसानों के वो उठाए हैं, ठीक। और वो कुछ मैंने भी बहुत महसूस किए हैं पिछले 8 साल में, जब से मैं ICS की नौकरी से बाहर आया हूँ आफ्टर VRF लेकर के, तो उन किसानों को मैंने उस धरने पे भी देखा है जो अपनी उन डिमांड के लिए गए, और ये PM ने भी माना, PM हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने माना कि भाई हाँ, हम वो बात समझा नहीं सके, जो भी वो फायदा करना चाहते, तो किसानों ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने उसको वापस ले लिया। धरने के साथ साथ MSP की बात ठीक है, क्योंकि आज मैं खुद देख रहा हूँ, मैं भी 10-12 एकड़ की जमीन का अभी किसान थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, और उसमें देख रहा हूँ कि किसान कितनी मेहनत से अपनी फसल को उगाता है और लाभ उसमें नाम मात्र का उसका मिलता है, उसको एक ही उम्मीद है कि किसी तरह मुझे MSP मिल जाए। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, जो C2 का फार्मूला था, मतलब 50% ऑफ द फसल, 50% लाभ जो है ना वो किसान को मिल जाए, अगर उसने 1,000 रुपए लगाए हैं तो कम से कम 500 रुपए तो उसे फायदा हो जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट सरकार से है, और यही हमारे जो अपोजिशन पार्टी है उनके भी है, और किसान यूनियन के जो लोग हैं उनके बीच में भी बहुत गया हूँ इस धरने के दौरान, किसान यूनियन में इंदर भाई भी हमारे साथ रहे हैं। तो किसानों की मेन है कि भाई उसकी फसल का 50% लाभ उसको मिले, 50% C2 का जो फार्मूला स्वामीनाथन रिपोर्ट को वो कम से कम दे दें, जिससे कि वो अपना अगले 6 महीने के लिए अपने परिवार का गुजारा ठीक तरीके से कर ले। एक तो ये बात बहुत जरूरी है, ठीक है सर। दूसरी बात है कि जो फसलों का नुकसान होता है उसको मैंने अपने हाथ से खुद देखा है। अब मेरे पास धान की फसल है, उसमें दुनिया भर का वो बीमारियां लगी हुई है, हम उसमें डालते हैं, दवाइयां डालते हैं, खर्चा करते हैं, इतना खर्चा उसका पता नहीं उसका रेट आगे MSP मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो देखने वाली बात रहेगी। अब धान की फसल आ रही है, पीछे जैसे कपास की फसल है, हमारे गांव के खेतों में अंदर जो कपास का पानी भर गया है वो कपास सारी खराब हो गई है, लोगों ने बीमा भी करा रखा है, क्या उनको वो बीमे की योजना का लाभ मिलेगा? बहुत अच्छी योजना निकाली हुई है सरकार ने, बिल्कुल सर, साहब ने बहुत अच्छी योजना बीमा योजना, लेकिन क्या वो बीमा कंपनियां उस गरीब किसान को मुआवजा दे देंगे जो पानी में खड़ी फसल 82,000 करोड़ का मेरे सामने आंकड़ा है, अखबार पढ़ा है मेरे सामने, कहूँ तो मैं आपको इसकी फोटो स्टेज भेज देता हूँ। नहीं ठीक है सर, 82,000 एकड़ जमीन पानी में भरी पड़ी है। आते सर, आप जाइए जीन, जहाँ जहाँ कपास की खेती होती है, जीन, हिसार, जज्जर, फतियाबाद तक, फसा तक ये खेती चलती है, दूसरे GT रोड के ऊपर 82,000 एकड़
दूसरा आंकड़ा आज किसान ने, प्रवक्ता जी बैठे, मैं चौहान साहब से उम्मीद करूंगा अपनी सरकार को जाके इतला दे, 22,345 ऑन रिकॉर्ड में आपको डिटेल भेज देता हूँ इनके आंकड़े, ये आंकड़े हमारे सामने हैं। और इन किसानों ने अप्लाई किया हुआ बीमा योजना, प्लीज उनकी योजना का लाभ उनको जरूर दे दीजिए। और केवल कपास ही नहीं, उसके साथ साथ जो उसकी बेस बची हुई है, चाहे वो धान थी, चाहे वो मक्का था, चाहे उसके अंदर बाजरा था, वो साथ साथ हमें उनका भी लाभ उनको देना चाहिए जिन्होंने योजना तैयार की। लास्ट एक बार और, मतलब वन सेकेंड ओनली, किसान जब मंडी में जाता है ना जी, तब उसके साथ बहुत न्यायप्रिय व्यवहार हो, उसको सुप्रिय हो, हमारा अन्नदाता है। मैंने उसको देख रहा हूँ, वो कितनी मेहनत से अन्नदाता जाता है, उसको रेस्ट करने की जगह हो, उसको कैंटीन की जगह हो, उसको सस्ता खाने की जगह हो, कम से कम इतनी सुविधाएं देना तो हर सरकार का फर्ज बनता है। और लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा नॉट द लिस्ट कि भी प्लीज, आप सारे बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हो, सारा समाज हमें देख रहा है, प्लीज एक दूसरे को पर्सनल कटाक्ष ना करें, अपनी अपनी बात रखें। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी इंद्र जी, सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसलें हरियाणा में खरीदी जाती हैं। गन्ना किसान का मुद्दा आज हमारा है, उसमें पूरे देश में सबसे ज्यादा रेट दिया जाता है। इसके अलावा और मुद्दों की भी बात कर लें तो किसानों की मांगों पर विचार विमर्श किया जाता है, परेशानियां कहाँ कहाँ रह जाती हैं। और जो बात यहाँ पर, क्योंकि प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं और वो पक्ष रख रहे हैं सत्ता पक्ष का, तो उनकी किन बातों से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ऐसी क्या चीजें रह जाती हैं? देखिए, अभी रणदीप सिंह जी ने बताया कि किसानों की कितनी समस्याएं हैं और सरकार जो योजना किसान की लाती है, वास्तव में वो योजना लाभ जो है का लाभ मल्टीनेशनल कंपनियां उठा के ले जाती है। अब आप देखिए, जैसे डीएपी खाद का मामला लीजिए, सरकार बोलती है सब्सिडी किसान को दी जाएगी, पर सब्सिडी किसान को नहीं मिलती, वो कंपनियां ले जाती है, उनका भुगतान कंपनियों के खाते में हो जाता है, उसके बाद किसान को जो है वो डीएपी खाद 1,950 रुपए प्रदेश के अंदर मिल रही है। अभी बताइए, सरकार को 1,250 रुपए मिलेगी, 1,250 सरकार ने अनुदान दे रखा है, तो उन कंपनी में कैसे टैक्स करने सकती है? अभी कुछ दिन पहले हरियाणा कृषि मंत्री जी ने 3 दवाइयों के ऊपर बैन लगाया हरियाणा प्रदेश के अंदर, कि ये दवाइयां बैन होंगी, ये जो है धान की फसल पे स्प्रे या इनको जो है नीच किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, उससे पहले प्रधान देश के कृषि मंत्री को या प्रदेश कृषि मंत्री को पता नहीं था कि वो दवाइयां ऑलरेडी बिक चुकी हैं। जब उनका स्टॉक किसान तक जा चुका है और किसान जो है उसको अपने खेतों में दे चुका है, बाली आ चुकी है, उसके बाद उसकी फसल का जो नुकसान होगा, आज बोनापन जो आया है वो प्राकृतिक आपदा है, ये दवाइयों की वजह से हुआ है या बीजों की वजह से हुआ है, सरकार को बताना होगा, क्योंकि सरकार के ही कहने के मुताबिक उपलब्ध हुआ है। सरकार के कहने के बाद ही तो वो किसान ने जो है जो उर्वरक जो खाद खरीदी है कृषि केंद्रों से, वो सरकारी केंद्र से खरीदी है। तो ये बातें सारी जो सारी कहीं ना कहीं बिचौलियापन जो सरकार का नजर आ रहा है, और बड़े पैमाने पर जो आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के कहने के मुताबिक कि जो नारायणपुर शुगर मिल है उसके अंदर जो किसानों का भुगतान जो है किस प्रकार से किया जाएगा, सरकार ने माना कि 1 मील का पैसा जो किसान का बकाया है, तो ईमानदारी से बताए कि सरकार जो क्रॉप लोन जो किसानों ने लिया था उस मील के लिए, उस मील का जो क्रॉप लोन किसानों पे जो खड़ा हुआ है, क्या उसकी अदाई सरकार करेगी नहीं करेगी? क्या सरकार ने जो किसानों को 36 करोड़ का चेक दिया है, बाकी के 23 करोड़ रुपए का भुगतान अप्रैल में करने की बात की है, वो उतने समय का जो पैसा है उसका ब्याज किसान को मिलेगा नहीं मिलेगा? सरकार बोलती है अप्रैल के बाद मिल देगा पेमेंट। भैया ये बताइए, प्राइस सीजन पिछले साल का है और अगले अप्रैल में आप जाने की हम बात करें, यानी कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर किसान को जहाँ प्राइवेट प्लेयर लूटते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं सरकार की भागीदारी हमें साफ साफ नजर आती है। ठीक है, आज देखिए बड़ी से बड़ी मंडी देख लीजिए, हरियाणा प्रदेश, माफ 2 मिनट लूंगा जी, जी, जी। किसी मंडी में आप देख लीजिए शौचालय की सुविधा नहीं है, किसी भी मंडी के अंदर आप जाके देखिए साफ सफाई का प्रबंध नहीं है, आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या हरियाणा प्रदेश के अंदर आ चुकी है। आप देखिए वही आवारा पशु किसान खेत को जाते हैं, जब किसान भी फसल लेके आता मंडी के अंदर, वही आवारा पशु मंडी में नजर आते हैं, यानी गेटों के ऊपर चौकीदारों की व्यवस्था नहीं है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जहाँ किसान का नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा है नहीं। ठीक है प्रोफेसर साहब, देखिए सबसे पहली बात स्वामी इंद्र से शुरू करूंगा। स्वामी इंद्र ये कह रहे हैं
माने किसानों के बहुत सारे मसले इन्होंने गिनवा दिए। मैं एक एक का जवाब दूंगा तो पूरा समय जितना बचा है वो सारा लग जाएगा, लेकिन मैं स्वामी इंद्र को सुनने वाले सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि भाई स्वामी इंद्र जो बातें कह रहे हैं क्या वो केवल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हैं या कहीं और भी किसान के पक्ष में ऐसे ही बोलते हैं जैसे वो हरियाणा पर सवाल उठा रहे हैं? स्वामी इंद्र, हमने हम 14 फसलें हरियाणा में MSP पर खरीदते हैं, राजस्थान हमारे पड़ोस में है, बाजरा और सरसों की वहां जो दुर्गति होती है और वो हरियाणा का बॉर्डर पार करके हरियाणा में बेचने का प्रयास वहां के किसान करते हैं, क्या कभी स्वामी इंद्र वहां की कांग्रेस सरकार के सामने या धरना देते हुए दिखे? कुल मिलाकर के राजनीतिक एजेंडा लेकर किसान की ओढ़नी ओढ़ के उसका किसान के कंधे पर बंदूक रखकर किसान के की भावनाओं का दुरुपयोग करके ये सियासत करना चाहते हैं, ये मेरा इन पर सीधे सीधे आरोप है। आरोप मैंने लगाया तथ्यों के आधार पर। दूसरी बात, स्वामी इंद्र ने कहा स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से हमने किसानों को दाम नहीं दिए। स्वामी इंद्र जी, क्या ये सत्य नहीं है कि वर्तमान सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार हिंदुस्तान, स्वतंत्र हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लागत से 1.5 गुना दाम देने शुरू किए हैं? अब उसको ये उलझा देते हैं C2 पर, A2 पर, कभी भी C2 के हिसाब से दाम दिए जाएंगे ऐसा नहीं कहा गया था। मैं स्वामीनाथन जो बार बार ये कहते हैं उस पर मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि वे MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, फार्मर्स कमीशन जिसको स्वामीनाथन कमीशन बाद में कहा जाने लगा, उसके मुखिया, उन्होंने स्वयं ट्वीट करके कहा था कि फार्मर्स कमीशन की सिफारिशों को नरेंद्र मोदी की सरकार बेहतरीन ढंग से इंप्लीमेंट कर रही है, जिसने सिफारिश की वो कमोबेश संतुष्ट है, लेकिन स्वामी इंद्र एक जगह की घुंडी अटका करके उस रिपोर्ट में की गई अनेक जो सिफारिशें हमने कायदे से लागू कर दी हैं उनका जिक्र तक नहीं करते, बौद्धिक ईमानदारी नहीं दिखाते और केवल हमारे सामने यहाँ चैनल पर बैठकर किसानों का नाम लेकर सरकार को कोसते हैं। ये दोहरा चरित्र है मेरे मित्र। एक बात सब्सिडी की बात इन्होंने की, बड़े गजब के आदमी हैं ये, कहते हैं कि सरकार उनको सब्सिडी क्यों देती है जो दवा या खाद बेचने वाले लोग हैं। आप अल्टीमेटली किसान को सस्ती दर पर खाद मिले, यही तो लक्ष्य है। तो अगर बाजार भाव ज्यादा है और वो सीधी उसके पास सब्सिडी जा रही है तो आपको इसमें क्यों बेईमाना नजर आता है? आपको इसमें पाक साफ व्यवस्था क्यों दिखाई नहीं देती? बीमा का भी इन्होंने जिक्र किया कि बीमा के नाम पर ये कर दिया वो कर दिया। फसल बीमा योजना अब पहली बार हम नहीं लेकर आए थे, पहली बार नरेंद्र मोदी जी लेकर नहीं आए थे। नरेंद्र मोदी सरकार से पहले भी फसल बीमा योजना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के कुछ हिस्सों में, हरियाणा के तब भी लागू हुई थी। ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी कुछ ब्लॉक्स में लागू की थी। अब जरा तुलना तो करिए, जो योजना ओम प्रकाश चौटाला के राज्य में लागू हुई थी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन में लागू हुई थी और जिन शर्तों के साथ हमने लागू की है, तो पता चलेगा कि हम इन दोनों ही सरकारों से बहुत बेहतर योजना किसानों के लिए लेकर आए और किसान कमोबेश उससे प्रसन्न है। लेकिन फिर कहता हूं अभी किसान के लिए बहुत कुछ किए जाने की गुंजाइश है। एक और बात हमारे इनेलो के प्रवक्ता जी ने भी कही और स्वामी इंद्र भी उसको दोहरा रहे थे कि मंडियों में और मिल्स में किसानों के लिए ठहरने की व्यवस्था नहीं है। ये एक मुद्दा है सर, ये मुद्दा एक बताया जा रहा है ना, ये मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, मैं भी मंडियों में जाता हूं, लगातार जाता हूं, हर सीजन में जाता हूं और चीनी मिलों में भी जाता हूं कम से कम, क्योंकि मैं असंध क्षेत्र में ज्यादा काम करता हूं तो वहां भी एक चीनी मिल है। मैं हर बार किसानों के बीच में जाकर उनकी सुविधा असुविधा पर उनसे चर्चा करता हूं। हमारी मिल में साहब वहां किसानों के विश्राम करने की व्यवस्था भी है, पानी की व्यवस्था भी रहती है, साफ सफाई की व्यवस्था भी रहती है और जब कहीं कोई कमी होती है तो हम जाकर के उसको ठीक करते हैं। तो जो हो रहा है उसको सरेआम आप जब इनकार करते हैं ना, तब आपकी ईमानदारी जो है वो संदेह के दायरे में आती। एक और बात छोटी सी कहूंगा कि क्या बदलाव आया है हमारी सरकार आने के बाद किसानों के हक में। किसानों को मुआवजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में
6,000 रुपए प्रति एकड़ मिलता था 100% खराबे पर। हमने आते ही स्वामीनाथन जी ने कहा था 10,000 रुपए प्रति एकड़ करिए, हमने 10,000 नहीं किया, हमने 12,000 किया, और हमारी ही सरकार ने उसको बढ़ाकर 15,000 भी किया है। केसी भाटिया जी, गन्ने के दाम तो आपको याद है, ये मुआवजा 6,000 से बढ़ाकर 15,000 हमने किया, और आपके कार्यकाल में 2-2 रुपए के चेक मिलते थे कि नहीं, अनेक बार चैनलों पर दिखाया है। अब इस शासन में 2 रुपए के चेक नहीं मिलते। आप तो जब सत्ता से गए थे ना, 350 करोड़ रुपए किसानों का बकाया छोड़ करके गए थे मुआवजा, और भी बंदा भी हमने किया, हमने भुगतान किया। और कहां से बोल रहे आपको, आप हरियाणा में नहीं रहते क्या? तथ्यों की जानकारी नहीं रखते क्या? केवल प्रोपेगेंडा करने चैनल पर आते हैं क्या? मैंने जितनी बात की फैक्ट्स पर की है, फैक्ट्स के अलावा कोई बात नहीं की। मैंने जो फैक्ट्स दिए हैं उन फैक्ट्स क्या और प्रवक्ता नहीं है, ठीक है, ओंकार जी आ रहा हूं मैं आपको, यहां तो ओंकार जी मेरी डिग्री प्रोफेसर साहब बताते हैं, इनके पास कहने को कुछ होता नहीं, तो इसलिए बोखलाया हुआ आदमी ऐसे हुआ ठीक है। ओंकार जी, केवल बोखलाया हुआ व्यक्ति ही व्यक्तिगत टिप्पणियां किया करता है, जिसके पास बोलने के लिए तथ्य होते हैं वो मसले पर बात करता है। चौहान साहब, आप फैक्ट पर बात कर रहे हैं, मैं फैक्ट पर ही बात करने के लिए आगे जा रहा हूं। जी केसी भाटिया जी, जी जी, मेरा देखिए, मेरा ये कहना है कि हम जितने भी यहाँ डिस्कशन में बैठे हुए हैं सबका यही है कि सारे किसान हैं, सारे किसानों की समस्याओं का किस तरह से हल हो सकता है, समस्याएं हैं किसानों की, ये सबको मानना पड़ेगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये नहीं कह सकते कि किसानों की समस्या नहीं, वो भी मान रहे हैं, कुछ समस्याएं हैं, समस्याएं देखिए, हम सबको मिलकर ये सुझाव देना चाहिए जो समस्या रह गई है उस समस्याओं को कैसे हल किया जाए। किसान की हालत दयनीय है बड़ी, किसान एक समय मुसीबत में है, पूरा दाम नहीं उसको मिल रहा, और किसान ने इतना संघर्ष भी किया उसके बावजूद भी सरकार के उसे पे जूनी देगी, तो ये समस्याएं तो पहले भी रही हैं, अब भी हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे टाइम में समस्या नहीं थी, लेकिन अब समस्याएं उग्र रूप ले चुकी हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान मैं वीरेंद्र जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बाकियों से भी, आप अच्छे सुझाव सरकार को दीजिए ताकि इस किसानों का भला हो सके। नहीं तो वो उग्र समस्याओं की, आप कौन सी उग्र समस्याओं की बात कर रहे हैं सर? क्योंकि आपके समय में ऐसी कौन सी समस्या नहीं थी जो अब बहुत बड़ी हो गई हो, उनके बारे में बताएं तो मैं जवाब लूं, तो मैं प्रोफेसर साहब से जवाब लूंगा फिर। देखिए, एमएसपी की बात है, चाहे वो गन्ने का हो चाहे दूसरी फसलों का हो, किसान जब ये डिमांड कर रहा है तो उनको दूसरे रास्ते लगा के, उनको बड़े कारपोरेट घरानों के हाथ उनको देकर, हिमाचल में आपको पता क्या हो रहा है, सेब का क्या हो रहा है, सेब का सारा जो है ना वो दे दिया ठेका अडानी साहब को दे दिया, हर सेब के ऊपर अडानी का छप्पा लगा हुआ है, ये छोटे छोटे स्टिकर लगे हुए हैं, और वो किसान वहां का रो रहा है। ठीक है सर, हम तो हरियाणा की जो सेब की खेती कर रहा है, हरियाणा आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं ऐसे तो सर, फिर कांग्रेस का उदाहरण आपके आपके साथी प्रवक्ता दे रहे हैं, प्रोफेसर साहब आपको कांग्रेस का 2 रुपए के चेक आते थे, ठीक है प्रोफेसर साहब, नहीं है प्रोफेसर साहब, ठीक है ओंकार जी, मैं आप कोई बात नहीं, केसी भाटिया जी उस बात को मजाक में ले रहे हैं, मजाक नहीं, मैं बहुत गंभीर हूँ, नहीं ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी बहुत गंभीर हूँ भाई साहब, हम ठीक है, किसानों के भले की बात करें, बेहतर बात, और ये होना भी चाहिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, बिल्कुल, बजाय उसको मजाक बनाने का, अब ये बात नहीं, मजाक की कोई बात ही नहीं, मजाक बनाया, ठीक है ओंकार जी, किसान के बच्चे, ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है सर, मैंने भी किसानी की है, फैक्ट पर बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, हमें भी दुख है इस बात का, ठीक है सर, धान को उसकी पूरी कीमत नहीं मिलती, ठीक है ओंकार जी, क्या कहेंगे जी, आप कह रहे थे कि समय नहीं दिया आपको, मैं आपके पास आया हूँ। विनय जी देखिए, आज किसान के हालात क्या है, किसी से छुपे नहीं है, अगर किसान खुश और खुशहाल होता तो क्या 13 महीने सड़कों पर बैठता, क्या किसान वहां पर शहीदी पाते, नहीं, कदाचित नहीं। आज किसान के हालात ये है, इनपुट बढ़ रहा है, लागत बढ़ रही है, आप डीजल का रेट देख लीजिए, कहाँ था 48 रुपए, कहाँ पहुंच गया 100 रुपए के नजदीक, आप खाद के रेट देख लीजिए, बीज के रेट देख लीजिए, और तो और मजदूरी के रेट देख लीजिए, जो मजदूर खेतीदार किसान के पास काम करता था, आज मजदूर की लागत डबल से भी अधिक हो चुकी है। इन सारी वस्तुओं का अगर हम ध्यान लगाएंगे तो किसान की इनपुट तो बढ़ी है, लेकिन उस इनपुट के प्रोपोर्शनेट आउटपुट नहीं बढ़ा है, लागत बढ़ गई है लेकिन मूल्य उस प्रोपोर्शनेट नहीं बढ़ा। मान लो अगर लागत 50% बढ़ी है तो प्राइस भी 50% तो कम से कम बढ़ना चाहिए, लेकिन प्राइस उस प्रोपोर्शनेट में नहीं बढ़ा है। आज मैं बताना चाहता हूँ, धान में एक बीमारी आ रखी है, फसल बोनी रहेगी,
वो क्यों बोनी रह गई, ये भी रिसर्च का मुद्दा है। लेकिन जिन किसान भाइयों की फसल हमारे, मैं अम्बाला से रहता हूँ, अम्बाला के अधिकतर गांव में जो पौधे हैं फसल के, वो छोटे रह गए, बोने रह गए, उनके ऊपर दाना नहीं आया। अगर वो आएगा तो बहुत लेट आएगा, तब तक पूरी दूसरी फसल तैयार हो जाएगी। इस फसल के बोने होने पे हमारे यहाँ के किसान कितनी बार डीसी महोदय से मिल लिए, लेकिन कोई ऐसी राहत वाली फसल नहीं हुई, बात नहीं हुई। स्पेशल गिरदौरी करा के इनको मुआवजा दिया जा सकता है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, स्टेट माई बाप के रूप में होती है, कोई भी काम होता है स्टेट वर्सेस होता है, स्टेट बहुत बड़ी होती है, एक आदमी एक बोना सा होता है। अगर किसी किसान को, अगर किसानों के ग्रुप को अम्बाला या यमुनानगर में कोई धान की फसल छोटी रह जाने से कोई खास नुकसान हो रहा है, उसकी विशेष गिरदौरी कराने में क्या दिक्कत है, उसको मुआवजा देने में क्या दिक्कत है? और सबसे बड़ी बात है, जब हम बात किसान की कर रहे हैं तो किसान की सारी समस्याओं की बात होगी। अगर किसान खुशहाल होता तो किसान कर्ज में क्यों डूबा होता? आज किसान कर्जा उतारने के लिए दोबारा कर्ज ले रहा है, फिर कर्जा उतारने के लिए कर्ज ले रहा है, और जब कर्ज नहीं उतार पाता तो आत्महत्या करता है। आप देख लीजिए 2014 से पहले कितनी आत्महत्याएं थी और अब कितनी आत्महत्याएं हैं। बहुत अफसोस की बात है, जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो हमारे प्रवक्ता साथी भूतकाल में चले जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, अगर पिछली सरकारों में कुछ कमी थी तभी तो बीजेपी को मौका मिला, नहीं तो इन जैसे व्यक्तियों को कौन सरकार में लेके आता? ये कुछ सरकारों की कमियां रही जो बीजेपी को मौका मिला। लेकिन अब अगर ये उन कमियों को दूर करने की बजाय उन्हीं कमियों को गिना के अपना उनसे कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत गलत बात है। आज हम किसान के हिताशी होके बैठे हैं, हमें किसी के डेफिनेशन की, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, हमें किसान की डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है। किसान की हमारे को कोई डेफिनेशन नहीं समझाएगा, हमें पता है कौन किसान है। ये डेफिनेशन तो आप जाके किसी स्कूल कॉलेज में समझाइए, किसान जो है उसको किसान की डेफिनेशन ना समझाइए। कोशिश कीजिए, आज आपकी सरकार है कल नहीं रहेगी, आज सरकार है तो आप किसानों की समस्याओं का हल कीजिए, उनको टरकाइए ना। अगर MSP के ऊपर आंदोलन स्थगित हुआ था, MS के लिए कमेटी बननी थी, आज उस कमेटी में अगर 30 व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति सरकार के हैं, उस कमेटी में किसान नेताओं को शामिल करें, उनकी तसल्ली करें, ताकि ऐसी व्यवस्था ना हो कल को आप फिर MSP का कोई फार्मूला ले आओ और किसान फिर आंदोलन हो जाए। किसान नेताओं को MSP की कमेटी में डालिए, इनके केस वापिस लीजिए, और जो किसान बेवजह जेल में है उनको बाहर निकाल लेता हूँ। जवाब ले लेता हूँ एक बार, क्योंकि बहुत देर से रणवीर जी भी वेट कर रहे हैं, स्वामी इंद्र भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ रणवीर जी, बिल्कुल बिल्कुल आपके पास ही आ रहा था सर, मैं क्या लगता है, क्योंकि देखिए सर, अच्छे पॉइंट्स और बुरे पॉइंट्स दोनों तरीके की चीजें होती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। कुछ अच्छी चीजों की बात की जाए तो कई अच्छी चीजें नजर भी आती हैं मौजूदा सरकार में जो काम हो रहे हैं, और नकारात्मक चीजें भी नजर आती हैं, वो थोड़ी बहुत हर जगह नजर आती हैं। आप किस तरह से देखते हैं पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए, पिछले 7-8 सालों की अगर आप बात करें, जिस तरीके से काम हो रहा है उन्हें देखकर आपको क्या लगता है कि स्थिति बेहतर हो रही है, नहीं हो रही है, तो कहाँ पर काम करने की जरूरत है? देखिए, इसमें दो राय नहीं है, इसमें कोई कुछ भी समझे, सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए, नंबर वन। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है, किसानों की समस्याएं अभी भी मुंह बाए हुए खड़ी हैं। सबसे बड़ी समस्या किसान की आज के दिन जो कर्जा है ना, वो इतना जबरदस्त चढ़ा हुआ है, सरकार को उसको बारे में जरूर सोचना पड़ेगा कि एक किसान को कर्ज मुक्त कैसे करें। दूसरा, हर हालत से एक 14 फसलों से किसान का भला नहीं होगा, उसकी MSP देखें कि हमारी जो टोपोग्राफी है किसान की और हमारे कृषि क्षेत्र की या हमारे सारे हरियाणा की, कि कहां कहां पे किन किन फसलों का आना है जाना है, खासकर तो तिलहन की है, दालों की जो फसलें हैं उनको भी ये MSP में लेंगे तो किसानों को लाभ होगा। MSP पे एक सिंपल सा फार्मूला सभी को पता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और इस बात पे भी ध्यान देने की बात है, ये भी जो फसल का खर्चा है जी। अभी ओंकार जी ने बड़ी सही बात बोली है, हमें माननी चाहिए वो बात कि आज किसान के ऊपर जो खर्चा है एक फसल लगाने का, चाहे वो डीजल का है, चाहे बुआई का है, चाहे मजदूर का है, चाहे बीज का है, चाहे खाद का है जी। इन सब के रेट आसमान छू रहे हैं। अगर आसमान उससे छू रहे हैं तो नेचुरली वो जो फसल बोएगा तो उसका रेट उसको वो नहीं मिल पाता जो
जो उसका खर्चा हुआ है इसमें सरकार को सोचना बहुत जरूरी है। और लास्ट जो मुआवजा है, अब इन किसानों को नारायणगढ़ मिल का छोड़ दिया, उसको कितने महीने बाद वो पैसा मिलेगा? और अब लोगों को देखिए, अब गन्ने की जो फसल है, अब हमारे पास जो मजदूर आता है वो भी बताता है ये बात की भी अभी तक हमें अब गन्ने की फसल का पैसा नहीं मिला है। मुआवजा जो आप किसान को देते हैं, चाहे वो बीमे का हो, चाहे फसल खराब का हो, और चाहे किसान की फसल का हो, वो पैसा उसे तत्काल ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 दिन के अंदर उसका भुगतान हो जाना चाहिए। एक और बड़ी जरूरी बात अभी हमारे उसमें इंद्र जी ने बोली थी, नाराज ना हो चौहान साहब, सरकार के प्रवक्ता है, प्राइवेट पार्टनर का सिंपल सा फार्मूला है कि आप सब्सिडी उस प्राइवेट पार्टनर को ना देके आप किसान को दे दीजिए, उसका जो भाव है, ठीक है, वो जो दवाई का उसका लगाता है वो किसान के खाते में डाल दो। आपने ये हम डीएपी के ऊपर ये सब्सिडी दे रहे हैं, इस दवाई के ऊपर ये सब्सिडी दे रहे हैं, और इनका जो प्राइवेट रेट है वो आ जाओ, किसान को ये पता चलेगा भी सरकार मुझे डायरेक्ट सब्सिडी दे रही है, दैट इज व्हाट इज पॉइंट। ठीक है सर, इसलिए मैं चौहान जी से रिक्वेस्ट करूंगा ये बातें सरकार तक पहुंचाएं। रणवीर जी, मेरे पास समय नहीं है, लास्ट फाइनल कमेंट्स पर आ रहा हूं मैं सभी के। स्वामी इंद्र जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें, क्योंकि समय ज्यादा है नहीं, और मैं चाहूंगा संक्षेप में आप कहें, क्योंकि मेरे पास और भी गेस्ट हैं जिनके पास जाना जरूरी होगा। देखिए चौधरी साहब, बिल्कुल स्पष्ट है कि आज प्रदेश के अंदर सरकार को धरातल पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप ये कह रहे कि किसानों को ये दे दिया, किसानों का वो दे दिया, तो सरकार अपने ही बयान के पर श्वेत पत्र जारी करे कि 2022 के अंदर फरवरी तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। यानी सरकार जब श्वेत पत्र जारी नहीं कर सकी, खुद प्रधानमंत्री ने माना कि एमएसपी की उन्हें खुद पारित की थी जब वो मुख्यमंत्री थे, और आज उन्हें वादा किया था कि एमएसपी की गारंटी के लिए कानून लाया जाएगा। कमेटी बाद की बात थी, सरकार से मैं अनुरोध करूंगा पहले आप एमएसपी कानून लाए, कमेटी का बाद में गठन होगा। ठीक है सर। प्रोफेसर साहब, बहुत कम समय है सर और बहुत संक्षेप है सर, मुझे सिर्फ ये कहना है किसान के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसान के लिए जो अच्छे कदम इस सरकार ने उठाए हैं, उनको हमारे कुछ मित्र आपके पैनल पर बैठकर ये कहते हैं कि ये तो केवल घोषणाएं हैं। उदाहरण के तौर पर 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा 6,000 से बढ़ाकर हमने किया है, ये घोषणा नहीं है, हकीकत है। किसानों के खाते में पैसा गया है, जा रहा है, लगातार जा रहा है। ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए किसानों के खाते में फसल बीमा योजना के तहत राहत के मुआवजे के गए हैं, ये केवल घोषणा नहीं, ये तथ्य हैं, आंकड़े हैं इसके। इसी तरह जब हम ये कहते हैं किसान गांव में रहता है, और गांव के किसान को भी 24 घंटे कम से कम उसके घर में बिजली मिलनी चाहिए थी, और जब मैं ये कहता हूं कि 5500 गांवों में 24 घंटे से बिजली हम दे रहे हैं, तो ये केवल दावा नहीं है, ये हकीकत है। रणवीर जी ने कहा दालें तिलहन ये भी एमएसपी पर में कवर होनी चाहिए, कई सारी कवर्ड हैं और भी आने वाले समय में कवर हों, इस बात से मैं सहमत हूं। समर्थन मूल्य जो फसलों का तय हो रहा है वो ऑलरेडी लागत कैलकुलेट की जाती है, लागत में 50% मुनाफा जोड़कर हमने देना शुरू किया हुआ है। इस व्यवस्था में और भी कई सुधार की गुंजाइश होगी, तो क्योंकि हमने ही लागू किया, हमसे पहले कांग्रेस कर देती अगर इतने किसानों के हितैषी थे, ये नहीं कर पाए, हमने लागू किया। अच्छी बात, कांग्रेस किसानों की, हरियाणा के किसानों की जमीन लूटने वालों के गिरोह का नाम है, दो रुपए का चेक देने वाले गिरोह का नाम है। हमने किसान के हित में काम किया है, हम और बेहतर करेंगे। समय की कमी है सर, हम अपनी कमियां भी स्वीकार करते हैं, हम व्यवस्था को सुधारते हैं, हम लोगों को गुमराह नहीं करते। ठीक है सर, किसानों को गुमराह करके राजनीतिक रोटी। सर फाइनल कमेंट लेना है, केसी भाटिया जी फाइनल कमेंट। देखिए मेरा प्रोफेसर वीरेंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मैं इनको एक संक्षेप में मेरे पास समय की कमी है सर, प्लीज सरकार तक ये बात पहुंचाइए कि 500 रुपए जब एक उसकी खर्चा पड़ रहा है गन्ने की फसल के, हम डिस्कशन बिल्कुल उस पे डिस्कस कर रहे हैं, कि 500 रुपए जब वो कॉस्ट पड़ रही है, तो इनको 500 रुपए के 450 ही दे दो। अब अगर 500 नहीं अभी दे पाते तो अगली फसल में दे देना 500 रुपए, अगली तक और बढ़ जाएगा। बस एक सवाल पूछ, और चीजें महंगी हो जाएंगी। भाटिया जी, कोई एक कांग्रेसी स्टेट बताइए जहां आपने ये दिलवा दिया हो, कोई एक कांग्रेसी स्टेट बताइए, ठीक है प्रोफेसर साहब, कोई एक कांग्रेसी राज्य बताइए जहां आपने दिलवा दिया हो 500। प्रोफेसर साहब समय की कमी, प्लीज।
कम से कम गुमराह तो मत करिए, गोल गोल बातें मत करिए आदरणीय भाटिया जी। भाटिया जी मैं समझ गया आपकी बात, जो आप बात कहना चाहते थे वो आपने रख दी है। ओमकार जी लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा, समय बिल्कुल नहीं है, प्लीज बहुत संक्षेप में। विनय जी अगर वास्तव में हम किसान हितैषी हैं तो सिर्फ दो काम कर दीजिए, एक किसान को कर्जा मुक्त करने का कोई स्कीम ले आइए, दूसरा उसको एमएसपी दे दीजिए, किसान खुशहाल भी हो जाएगा और किसान की समस्याएं भी अंत हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो चर्चा रही है बहुत ही खास रही है। हम एक निष्कर्ष तक पहुंचे हैं कि समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान किया भी जा रहा है, सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है, बेहतर काम हो रहा है, लेकिन दूसरे ही कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरे पहलू पर हम देखते हैं तो कुछ समस्याएं हैं जिनको कि दूर करने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये समस्याएं जल्द खत्म हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल गन्ना किसानों के लिए राहत की बात रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।